हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो टैन रिमूवल स्क्रब के बीच में कंपैरिजन रिव्यू वीडियो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट या इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि इनके जो डायरेक्ट लिंक है मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरी बात यह है कि मैंने इन पर डिटेल वीडियोज भी आपके साथ शेयर किए हैं, तो अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है बायोटीक का बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग एंड टैन रिमूवल स्क्रब। दूसरा है एवर यूथ का प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल स्क्रब। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस और इनकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोटीक के प्रोडक्ट की। तो ये एक प्लास्टिक टब पैक है, आप चाहें तो इसे ट्रेवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बल्की है बट ठीक है, आप चाहें तो इसे ट्रेवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस है 199 रुपीज़, जिसमें आपको 75 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रब ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है एवर यूथ का स्क्रब। तो ये इसका जो प्राइस है, आई थिंक इसका प्राइस इसके इनर प्रोडक्ट पे लिखा ही नहीं गया है, इनर पैकेजिंग पे। तो इसका जो भी प्राइस होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप उसे क्लियरली देख लें, क्योंकि इसकी जो आउटर पैकेजिंग है मैंने उसे थ्रो कर दी है। ये दोनों ही प्रोडक्ट आउटर पैकेजिंग के साथ आते हैं, दोनों की ही जो आउटर पैकेजिंग होती है वो कार्डबोर्ड होती है और दोनों पे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें तो पैराबेंस नहीं है क्योंकि पैकेजिंग पे मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें पैराबेंस हैं या नहीं है। जो भी होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी सारी डिटेल्स। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये एक ग्लास बॉटल है जो कि ट्रेवलिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि काफ़ी बल्की भी है और ग्लास बॉटल है तो वैसे भी सेफ नहीं है। अब यहाँ पे बात करें अगर स्किन टाइप की, तो दोनों ही प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। इनका इनर प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है बायोटीक का स्क्रब, और अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ तो मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एवर यूथ के स्क्रब की, तो ये है इसका स्क्रब और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो है चॉकलेट। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रब को यूज़ करने की। तो देखिए, अगर बात करें स्क्रब को यूज़ करने की, तो स्क्रब को काफ़ी लोग वीक में दो बार यूज़ करते हैं, तीन बार यूज़ करते हैं, या वीक में एक बार यूज़ करते हैं, या दो वीक में एक बार यूज़ करते हैं, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर उन्हें ब्लैक हेड या वाइट हेड प्रॉब्लम है तब यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप रहने दीजिए, या एक या दो वीक के बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को डीप क्लीन करने के लिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं स्क्रब तभी यूज़ करती हूं जब मुझे कोई नया स्क्रब यूज़ करना होता है, ट्राई करना होता है, रिव्यू शेयर करना होता है तब, या फिर मेरी स्किन जो है वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डल हो गई है, डेड स्किन ज़्यादा दिख रही है, तब मैं यूज़ करती हूं। ज़्यादातर मैं स्क्रब यूज़ नहीं करती हूं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ इन दोनों ही स्क्रब की। तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जो बायोटीक का स्क्रब है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने निकाला क्यों नहीं। और ये है एवर यूथ का स्क्रब। तो ये देखिए, एवर यूथ के स्क्रब आपको काफ़ी छोटे दिख रहे होंगे, जबकि बायोटीक के स्क्रब आप देख सकती हैं स्क्रब पार्टिकल्स कितने बड़े हैं। साथ ही साथ एवर यूथ में जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो बायोटीक के कंपैरिजन में कम भी हैं, जबकि बायोटीक में जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, और इस बायोटीक का जो स्क्रब पार्टिकल है, हालांकि एवर यूथ का भी स्क्रब पार्टिकल काफ़ी शार्प है, लेकिन बायोटीक का जो स्क्रब पार्टिकल है वो ऐसा लगता है जैसे रेत नहीं होती है तो वही रेत ही इसमें है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई और प्रोडक्ट है।
तो इसलिए मुझे ये स्क्रब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मैं क्लियर आपके साथ शेयर कर दूँ कि इसे ना पसंद करने का रीज़न यही है क्योंकि इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शार्प हैं। तो मेरे यहाँ पे फेस पे ऐसे कट गया था, माने एक निशान स्क्रैच की लग गई थी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही साथ यहाँ की जो स्किन है वो अजीब सी छिल गई थी, तो मुझे इसलिए बायोटिक का स्क्रब बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। वहीं पर अगर आप चाहें तो आप इसे अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं भी इसे अपनी बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ। अगर बात करूँ एवर यूथ के स्क्रब की, तो एवर यूथ में भी स्क्रब पार्टिकल्स काफ़ी हैं लेकिन इतने ज़्यादा फाइन नहीं है, इतने ज़्यादा शार्प नहीं है। तो मैं उसे अपने फेस पे यूज़ करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे रेगुलर यूज़ करती हूँ। वीक में एक बार या दो वीक में एक बार इतना इनफ है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूं तो फाइनल वर्ड यही है कि मुझे एवर यूथ का स्क्रब ज़्यादा अच्छा लगता है बायोटिक के स्क्रब के कंपैरिजन पे। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही टैन रिमूवल स्क्रब हैं, तो दोनों ही आपके फेस से आपकी बॉडी से टैन रिमूव करते हैं या नहीं। तो फिलहाल अगर बात करूँ टैन रिमूव करने की, तो मुझे एवर यूथ का स्क्रब जो है वो ऐसा लगता है कि हाँ ये आपकी स्किन पे वर्क करता है। जबकि अगर मैं बात करूँ बायोटिक के स्क्रब की, तो मैंने इसे ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये आपकी बॉडी से टैन को रिमूव करता है या नहीं रिमूव करता है। ओवरऑल प्रोडक्ट दोनों अच्छे हैं, आप चाहें तो आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हैं या कौन सा प्रोडक्ट बाई करना चाहती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये रिव्यू, मेरा ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।